नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे पर प्राथमिक जांच में वीडियो को एडिटेड पाया गया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा से सपा विधायक अखिलेश यादव के सामने कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे पर प्राथमिक जांच में वीडियो को एडिटेड पाया गया। वहीं पूछताछ के बाद जांच नारा लगा रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने एक व्यक्ति पर उनके वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सपा विधायक अखिलेश यादव ने मांग किया है कि जिन्होंने भी माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में सपा के विधायक अखिलेश यादव और नारा लगा रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता करके क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। क्या मामला था, कैसे नारेबाजी हुई, जिसको लेकर पूरे दिन किस तरह का माहौल रहा, अभी तक आप लोग कार्यालय में? 5 तारीख की बात है। उस दिन हम, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 5 तारीख को हम ग्राम ढकवा में जनसंपर्क कर रहे थे, उनके लिए लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे थे। और हमारे साथ में हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता भी थे, गांव के लोग भी थे। और वीरेंद्र यादव जी जो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं 2 बार और पार्टी के सक्रिय नेता हैं, वो भी हमारे साथ थे। चुनाव प्रचार के दरमियान आप जानते हैं, जब कार्यकर्ता जोश में आते हैं तो नारे लगते हैं। वीरेंद्र यादव जी का फेवरेट नारा है साइकिल निशान जिंदाबाद, तो नारा इन्होंने यही लगाया था। कल रात में इन्हें जानकारी हुई कि किसी ने अपने आईडी से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया है इनको कोट करके, कि इनके द्वारा कुछ ऐसे के नारे लगाए जा रहे थे जो नहीं लगाना चाहिए था। इन्होंने हमसे बात किया तो हमने कहा कि तत्काल आप इसकी सूचना थाना प्रभारी महोदय को दें, ताकि इस तरह का खटंत करने वाले लोग या खुराफाती तत्वों को पुलिस के नॉलेज में बातें आ जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इन्होंने रात में 11 बजे मिलकर के थाना प्रभारी महोदय से अपनी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सुबह जिसके नाम का ये आईडी है उसको बुलवा करके बात किया जाएगा। 11 बजे फिर वीरेंद्र यादव जी थाने में गए और इन्होंने अपनी बातें कहीं, और तब से उस वीडियो की जांच हो रही थी। अब जा करके मामला स्पष्ट हो गया है। उस वीडियो में सीधे सीधे साइकिल निशान जिंदाबाद लगाया गया है। उसमें अभी मैं नहीं जानता कि पुलिस ने क्या माना है। अगर पुलिस नहीं मानती तो सुबह से थाने में ये बैठे थे, अभी इनको पुलिस ने छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जानकारी में होना चाहिए कि वो साइकिल जिंदाबाद का नारा लग रहा था। आप लोगों ने भी क्या पुलिस से शिकायत किया है कि वीडियो को कहीं एडिट वगैरह करने की बातें सामने आ रही है, तो क्या आप लोगों ने शिकायत किया है पुलिस से? हम तो आपसे पहले ही बता दिए कि रात में भी इन्होंने 11 बजे मौखिक रूप से शिकायत किया कि कोई हमारे नाम पर इस तरह का खटंत कर रहा है। फिर 11 बजे ये मिल करके यही बात कहने के लिए गए थे, और इसके बाद शाम को भी हम भी गए थे। हमने थाना प्रभारी महोदय से भी ये बात कही थी कि आप ओरिजिनल वीडियो चेक करिए, एक फेक वीडियो के आधार पर एक ऐसे व्यक्ति को जिसने 2 बार जिला पंचायत के सदस्य के रूप में क्षेत्र का नेतृत्व किया हो, जो पार्टी का कार्यकर्ता हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का नारा लगा सकता है? तो कोई वीडियो है आपके पास जो मूल रूप का है? मेरे पास भी है और तमाम लोगों के पास है वो वीडियो। कहियो तो मैं खोल करके आपको सुनवा दूँ वो वीडियो। सीधे सीधे साइकिल जिंदाबाद का नारा लगाया है। फिर मैं कहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, मैं क्षेत्र का विधायक भी हूँ,
और इससे आगे बढ़ के मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरा जनसंपर्क चल रहा हो और मेरे जनसंपर्क में मेरे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का नारा लगाएं, ये गैर मुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में अब तक मेरे ऊपर न कोई मुकदमा है, न इस तरह की कभी कोई वारदात की बात मेरे सामने आई है। और वीरेंद्र यादव का 25 साल से पार्टी के वर्कर के रूप में ये काम करते हैं, आज तक इनके खिलाफ कोई थाने में शिकायत नहीं गई। तो कम से कम पुलिस को इस बात को जानकारी रखना चाहिए कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। मुझे इस बात की तकलीफ ज़रूर है कि जब ओरिजिनल वीडियो पुलिस को मिल गया तो उसकी जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। ये तो कहने गए थे कि जिसने इस तरह का फेक वीडियो बना करके या वीडियो में एडिट करके सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने इसकी इनकी छवि ख़राब की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक विधायक के रूप में, हमारी भी जिम्मेदारी है, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। पुलिस के उच्च अधिकारियों से विधायक जी, आपसे कोई बात हुई है जिन्होंने इस तरह का वीडियो शेयर किया है और माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई बात नहीं? मेरी कोई बात नहीं हुई है, मेरी तो थाना प्रभारी महोदय से बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी इस तरह के तत्वों को। पार्टी की तरफ से कुछ किया गया है इसमें, पहल की गई? पार्टी की तरफ से सब लोगों ने अपनी बातें कही हैं, एसपी साहब से सब लोगों ने बातें कही हैं कि वीडियो चेक कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तस्वीरें साफ होनी चाहिए, कौन लोग चुनाव को ख़राब करना चाहते हैं, कौन लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें कह देना, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा देना, ये कोई मामूली अपराध थोड़े है। आपने कैसा नारा लगाया था और आज सुबह से ही आपको पुलिस ने बिठाया था और कितने घंटों के बाद आप यहाँ पे आए? देखिए, 5 तारीख को हमारे इलाके के बहुत ही शानदार विधायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैंने समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशी का माननीय विधायक जी के नेतृत्व में भ्रमण रखा था। तो भ्रमण के दौरान हमारे 3 नारे हम लगातार देते गए। पहला हमारा यह था कि धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें, अखिलेश यादव मुबारकपुर जिंदाबाद और साइकिल निशान हमारा जिंदाबाद, ये हमारे नारे थे। क्या उस नारे को दोहरा सकते हैं? एक बार दोहरा दीजिए नारे, जिस तरह से आप नारेबाजी कर रहे हैं। जी, नारे को दोहरा। हमारा यही नारा था कि बार बार हम उस बात को कह रहे हैं कि हमने नारा दिया था कि साइकिल निशान जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जी जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुबारकपुर जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, ये हमारे नारे थे। वीडियो को जब आप, जो फेक वीडियो आपका जो बनाया गया था, जो एडिट किया गया था, उसको लेकर जब आप पुलिस यहाँ गए तो किस तरह का रिएक्शन रहा और क्या? मुझे भी इस मुल्क से और इस देश से उतना ही प्यार है जितना हमारे सभी लोगों को प्यार है। उस बात को लेकर के मुझे ठेस लगी और मैं रात को 11 बजे डाइव करके थाना अध्यक्ष महोदय के पास गया और मैंने तुरंत बंसु यादव, सन ऑफ राम वृक्ष यादव, ग्राम सुराई टड़िया के नाम मैंने तुरंत उस बात को बताया कि मुझे आहत हुआ हूँ इस चीज़ को लेकर के। और मैंने अभी कहा कि जिस दिन यह नौबत आएगी, इस मुल्क से मेरा उतना ही प्यार है, मैं मरना कबूल करूँगा लेकिन मैं मुल्क के साथ इस तरह की बात नहीं करूँगा। किस तरह की कार्रवाई की आप अपेक्षा करते हैं पुलिस प्रशासन से? मैं सीधे तौर पर मेरे 22 साल के राजनीतिक जीवन पर जो ठेस लगे हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन बंसु यादव, राम वृक्ष, सना राम वृक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या कोई राजनीतिक साजिश थी या क्या वजह थी कि इस तरह का उन्होंने? हमारे किसी से मतभेद नहीं है, हम सेकुलर मिजाज के लोग हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और मैंने आज थाने पे अभी कहा है कि जांच में अगर कहीं इस तरीके का, अगर साइकिल निशान जिंदाबाद के नारे के सिवा कोई दूसरा नारा आता है तो मेरे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं